आपकी स्क्रीन पर पेट और सीने पर निशान गड़े ये बच्चे मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के एक गांव के रहने वाले हैं। इस गांव में स्वास्थ्य सेवा इतनी बदतर है कि कोई आदमी बीमार होने से पहले भी 10 बार सोचे। जी हां, हम बात कर रहे हैं जिले के भीमपुर ब्लॉक के गुड़िया गांव की। इस गांव में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं के चलते आदिवासी अंचलों में मासूम बच्चों को बीमार होने पर दवा की जगह एक ऐसा इलाज दिया जा रहा है जिसे देख कर लोगों की रूह कांप उठे। इलाज के इस बेहद अमान्य तरीके को डमा कहा जाता है, जिसमें लोहे की सलाखों या कीलों को गर्म करके बच्चों के पेट, सीने और पीठ पर दाग लगाए जाते हैं। आदिवासियों की मान्यता है कि डमा लगाने से उनके बच्चे पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। वहीं स्वास्थ्य विभाग इस डमा को रुकवाने में अब तक नाकाम रहा है। पूरी प्रक्रिया बताए तो किसी भी उम्र का बच्चा कुपोषित हो या उन्हें मौसमी कोई बीमारी हो जाए, तब आदिवासी लोहे के औजारों को आग में रखकर तपाते हैं और फिर उन खोलते औजारों से इन मासूम बच्चों के शरीर पर सैकड़ों दाग लगाए जाते हैं। गरम कर देते हैं, उसके बाद लगाते। कितनी जगह लगाते हैं? और जैसे जैसे खुले हो, बच्चे पानी पी रहे तो ज्यादा खाना नहीं खाते। अब होते हैं तो क्या करो, उसके लिए ठीक नहीं होता तो फिर दवाई नहीं, गोली नहीं, कुछ नहीं, फिर लगाने पड़ते। डॉक्टर को नहीं दिखाए थे? डॉक्टर को भी बताया था। क्या बोले वो? दवाई नहीं है करके बताते। ये गांव पे आते ना उलट कर, पता नहीं है अब होगा भी, लेकिन हमने देखा नहीं। केवल इस एक ही गांव में नहीं बल्कि बैतूल जिले के अधिकतर आदिवासी बहुल्य गांव में बच्चों को डमा लगाना आम बात है। गांव के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने बताया कि गुड़िया गांव से सबसे नजदीक अस्पताल की दूरी भी 16 किलोमीटर है। ग्रामीणों को डॉक्टर पर भरोसा नहीं होता और समझाने पर वो मानते नहीं। सर, उनके माता पिता द्वारा बताते हैं कि बच्चों के पेट फूलने से इन्हें डम्बल लगा दिए। सर मैंने तो नहीं देखा, सर इन लोग समझाते हैं पर सर हमारे नहीं रहती में इन लोग लगा लेते हैं। बताते हैं पूछने पर कि लोहे से लगाते हैं, पेट फूल जाने के कारण लगाते हैं। मैं सर 4 बच्चों को लगाए हैं, सर पूरे पेट में इंसान है। सर यही तो नहीं मालूम रहता, सर लगवाते हैं उसके बाद में ला लेते सर बच्चों को, पर कहाँ लगाते आज तक नहीं। सर उसके लिए उनके लिए इलाज अस्पताल होना चाहिए ऐसा लगता नहीं है। सर होना चाहिए ना सर, हर किसी को अगर स्वास्थ्य सुविधा और हर कोई अगर समझने लगे कि इलाज से ठीक होता है करके, तो सर सर डॉक्टर के पास में तो हर एक बीमारी का इलाज होता है सर, मेरा मानना है, पर वो इनको समझाते हैं पर नहीं मानते। इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो जागरूकता के माध्यम से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। वहाँ के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से हमने एक लिस्ट बुलाई है कि भाई आप वो बताओ कि जो इस तरह का काम जो है प्रोफेशनल तरीके से कर रहे हैं, या प्रोफेशनल ना भी हो लेकिन सामूहिक रूप से कर रहे हों, तो उनकी लिस्ट जारी कर दें। उनको हम समझाइश देंगे, अगर ज़रूरी हुआ तो प्रशासन की मदद लेके उनके ऊपर कुछ थोड़ा सा दबाव डालाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर सफल हो जाए तो ठीक है, अन्यथा अगर बहुत आवश्यकता हुई तो कुछ शक्ति भी उनके ऊपर कराने के लिए हम प्रशासन से मदद के लिए निवेदन करेंगे, क्योंकि बच्चे हमारी प्रायोरिटी है, उनकी जान बचाना बहुत ज़रूरी है। डमा लगाने से बहुत खतरा हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है बच्चों को, सेप्टिसीमिया में भी जाने का खतरा रहता है। आदिम युग में जी रहे इन आदिवासियों को जब तक इलाज की बेहतर सुविधाएं नहीं मिलेंगी, तब तक शायद ना तो ये डमा जैसी परंपराओं को छोड़ना चाहेंगे और ना ही इन्हें विज्ञान और डॉक्टरी इलाज पर भरोसा होगा। बैतूल से अमित पवार की रिपोर्ट।